और दोस्तों इस तरीके से हम थ्री सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम की मैपिंग कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो है पांडा माउस प्रो बिल्कुल 100% एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पांडा माउस प्रो को एक्टिवेट करोगे। सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लो पांडा माउस प्रो के अंदर की मैपिंग कैसे कर सकते हो। बहुत से भाई का कमेंट आ रहा था मेरे चैनल पे कि भाई की मैपिंग नहीं कर पा रहा हूँ, सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे खेलूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल सेटअप करके दिखाने वाला हूँ कैसे एक्टिवेट करना है, किस तरीके से की मैपिंग करना है, ठीक है। तो वीडियो ये जो होगा बिल्कुल फुल वीडियो होगा, इसमें आपको ये एक वीडियो देख लोगे तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रियलमी का फोन है, आपके पास कोई भी फोन है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब फोन में सेम मेथड होता है, कोई भी तरीका आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो इन सबको आपको डाउनलोड करना है, जिन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास फ्री फायर है, LADV कनेक्शन है, ये प्ले स्टोर पे फ्री में आपको मिल जाएगा, पांडा स्क्रिप्ट पेचर आपको फ्री में मिल जाएगा, पांडा माउस प्रो आपको डाउनलोड करना है वीडियो, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इजिली आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों अब चलो मैं आपको इसको एक्टिवेट करके और उसके बाद से की मैपिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, तो अपने फोन के अंदर वाईफाई इनेबल कर लेना है, यानी कि वाईफाई कनेक्ट करना है। अगर आपके पास नहीं है मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले किसी भी फोन से हॉटस्पॉट ऑन करके इसको वाईफाई कनेक्ट करा लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, इन सभी को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे मैं पांडा माउस प्रो को यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस पांडा स्क्रिप्ट पेचर वाला जो एप्लीकेशन है इसको आपको ओपन करना है, ओपन करके और इसको एक्टिवेट कर लेना है। फर्स्ट में ही इसको एक्टिवेट करना है, उसके बाद से जो भी सेटिंग करना होगा वो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक इसको डाउनलोड करने के लिए ये बता रहा है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, तो ठीक है। तो इसके अंदर लिंक ऐड कर दिया गया है इस पांडा स्क्रिप्ट पैचर को डाउनलोड करने के लिए। तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको साउंड ऑन ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद से पहले इसको एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। तो पैच एक्टिवेटर इस पे आपको क्लिक करना है वाईफाई कनेक्ट करके। तो यहाँ पे ऐड चलेगा, आपको ऐड चलने देना है, 1 से 2 मिनट का ऐड होता है, इसमें काफ़ी लॉन्ग ऐड होता है, ठीक है। तो अभी देख सकते हो ये नीचे में ग्राफ जो जा रहा है ये ऐड है, ठीक है। तो ये ऐड फुल चलने देते हैं फ्रेंड्स। ऐड चलने के बाद कुछ इस तरीके का एरो आएगा, तो एरो पे आपको क्लिक कर देना है। एरो पे क्लिक करोगे आपको फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे कट कर देना है, ठीक है। ये हमारा जो है पैचिंग डन, ये एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको मिनिमाइज करना है इसको बीच वाले ऑप्शन से, ठीक है। अब यहाँ पे काम खत्म। अब आपको फोन के अंदर क्या सेटिंग्स करने हैं वो अब आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर जाना है, सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है अबाउट के अंदर, ठीक है, अबाउट फोन। अब यहाँ पे बेसबैंड कर्नल पे क्लिक कर देना है और बिल्ड नंबर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। बिल्ड नंबर पे 7 बार क्लिक करना है। ये बिल्ड नंबर क्लिक इसलिए करना है कि ताकि आपके फ़ोन के अंदर डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाए। डेवलपर ऑप्शन जब तक आपका इनेबल नहीं होगा तो पांडा माउस प्रो आपका एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, बिल्ड नंबर पे क्लिक करते हैं 7 बार। तो आप नीचे में देखोगे तो हमारे यू आर नाउ इज डेवलपर मोड, ठीक है। तो हमारा डेवलपर मोड इनेबल हो चुका है, अब इसको बैक कर देना है। बस इसमें इतना ही सेटिंग्स करना है, उसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन, ठीक है, इसको इनेबल हमने कर दिया। अब यहाँ पे चाहते हो तो आप अलाउ स्क्रीन ओवरले ऑन सेटिंग्स को इनेबल कर देना है, ठीक है। पहले ही आप इनेबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वायरलेस डिबगिंग को आपको इनेबल कर देना है, यहाँ पे टिक लगा के और यहाँ पे अलाउ कर देना है। दोस्तों ये आपका काम खत्म हो चुका है। USB डिबगिंग को भी इनेबल आपको यहाँ पे क्लिक करके कर देना है, ठीक है। बस इतना ही काम करना है। अब इसको भी मिनिमाइज कर देना है। अब दोस्तों करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे LADV पे क्लिक कर देना है। LADV पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इनेबल फ्लोटिंग विंडो पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये LADV का जो है आपको मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हो तीनों पे साइनिंग आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे चेक करने के लिए बोल रहा है कि आपने ये जो अलाउ स्क्रीन ओवरले आपने इनेबल किया है कि नहीं, जो ये मैं सेटिंग्स आपको बता रहा था ये वाला, ठीक है। तो हमने इसको इनेबल कर दिया है, लेकिन फिर से आपको चेकिंग पे क्लिक कर देना है,
आपको इसको इनेबल करना है, और इनेबल करने के बाद यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देना है। जैसे चेक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन पे आपको ले जाएगा, तो आपने ऑलरेडी किया है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना। जैसे कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहले बैक कर लेते हैं, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये सेटिंग्स और डेवलपर ऑप्शन का जो एरिया है वो ओपन होएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वायरलेस डिबगिंग का जो सेटिंग्स दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ वायरलेस डिबगिंग का, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेयर डिवाइस विथ, यहाँ पे पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो इसमें कोड वगैरह आएंगे, तो ये जो हाईलाइट में आपको कलर दिख रहा है यहाँ पे 720200, तो इसको आपको कैंसिल वगैरह नहीं करना है, कट करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करके, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो ये हाईलाइट जो है डिजिट नंबर पेयरिंग कोड इसको आपको डालना है, तो यहाँ पे 720200, ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया 6 अंक का ये है। उसके बाद आप नीचे में देखोगे तो आपको आईपी एड्रेस एंड पोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 5 अंक के आपको नंबर दिखेंगे। उसके बाद आपको इस नंबर को यहाँ पे 5 डिजिट वाले पे डालना है, तो 242125, ठीक है, यहाँ पे हमने डाला और पेयर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे पेयर पे क्लिक करा तो अभी देखोगे तो हमारा जो है यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मिनिमाइज करना है, और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सॉरी ये ऐड यहाँ इसमें भी ऐड चलना शुरू हो चुका है। तो फाइनली यहाँ पे हमने स्किप कर लिया, थोड़ा सा टच इसका जो है अच्छा से वर्क नहीं करा। उसके बाद हम यहाँ पे मिनिमाइज कर लेते हैं, और मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे पांडा स्क्रिप्ट पैचर है यहाँ पे स्टेप 3, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे companda.gamepad.com यहाँ पे एक्टिवेट इज डाउन आ चुका है। इसके बाद आपको करना है यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर से आपको यहाँ पे एंड्रॉयड यहाँ पे दिखता है 13 और 12 टच इशू, ठीक है, तो इसको कॉपी करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको लाके फिर से इसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पे ये जो पांडा माउस प्रो बिल्कुल 100% एक्टिवेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पांडा माउस प्रो हमारा एक्टिवेट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे पांडा माउस प्रो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा जो है पांडा माउस प्रो बिल्कुल 100% एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पांडा माउस प्रो को एक्टिवेट करोगे। उसके बाद अब मैं आपको सेटअप बता देता हूँ कि आपको सेटअप में क्या करना है और किस तरीके से की मैपिंग करना है, ठीक है। तो हमारा जो है पांडा माउस प्रो एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम अपना गेम को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे फ्री फायर मैक्स है जो हमारा, इसको ऐड कर लिया। इसके बाद इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें और एक सेटिंग्स जो मैं बताने वाला हूँ, रियलमी के कितने सारे फ़ोन हैं उसमें आपको OTG इनेबल करना पड़ता है, तभी आपका कीबोर्ड और माउस अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लोटिंग, इसको इनेबल कर देना है। अब यहाँ पे पांडा माउस प्रो हमने इनेबल कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ओके हो चुका है, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो है पांडा माउस प्रो में गेम ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखोगे स्वाइप, कॉल एंड हेयर, ये सब ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पांडा माउस प्रो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद से हम आपको की मैपिंग करने का तरीका आपको बता देते हैं। और की मैपिंग जब आप कर लोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप गेम प्ले कर पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये हमारा जो है फ्री फायर स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम स्टार्ट होने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेटअप वगैरह आपको बता देते हैं कैसे आपको की मैपिंग करना है। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हम इसको जो है अटैच कर देते हैं और सेटअप आपको दिखा देते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है, आपको मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करा हुआ है सेटअप किस तरीके से करते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना जो OTG और यहाँ पे USB हब लगा देते हैं, ठीक है, यह हमारा लग चुका। उसके बाद से हम अपना इसमें सिंपल सा कीबोर्ड और माउस अटैच कर देंगे, और यहाँ पे हमने कीबोर्ड और माउस को अटैच कर दिया। उसके बाद से देखोगे दोस्तों हमारे माउस और कीबोर्ड के अंदर लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सा भाई का ये भी कमेंट आता है कि मेरे चैनल पे कि भाई मेरा माउस और कीबोर्ड नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर,
बहुत सारे भाई यही गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हमको करना क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे सर्च पे आना है और सर्च पे आने के बाद यहाँ पे OTG हम सेट कर लेते हैं OTG, ठीक है। तो ये सेटअप वगैरह आपको इनेबल करना होता है, यहाँ पे देख सकते हो OTG, ठीक है। तो ये हमारा जो है OTG, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। OTG सर्च करने के बाद सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे हम जब तक OTG इनेबल नहीं करेंगे तब तक हमारे कीबोर्ड और माउस के अंदर लाइट नहीं आएगा, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे माउस का हमारा जो है एरो आ चुका है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, आपको बैक कर लेना है इसको, हमारा जो OTG इनेबल हो गया। अब इनेबल होने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं अपने फ्री फायर को ओपन कर लेते हैं, और दोस्तों यहाँ पे देखोगे जो हमारा फ्री फायर बिल्कुल ओपन है, और यहाँ पे हम पहले पांडा माउस प्रो को यहाँ पे हम फ्री फायर यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इसी का टच का इशू है। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो है पांडा माउस प्रो आ चुका है। तो फाइनली यहाँ पे अब मैं आपको सेटअप करके दिखा देता हूँ की मैपिंग कैसे करना है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देखोगे ये जो आपको पांडा माउस प्रो दिख रहा होगा, उसके बाद आपको करना कि यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल पे जाना है और जो भी है सेटअप वगैरह कस्टम HUD पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे कस्टम HUD पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी सेट वगैरह करना है वो आप इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले इसको हम यहाँ पे छोटा करके और यहाँ पे रख देंगे, इसका साइज हम इतना छोटा कर लेंगे 20 के, ताकि हमको आसानी हो और हमारा जो है की मैपिंग अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों आपको जहाँ पे भी कस्टम HUD रखना है वहाँ पे इजीली रख सकते हो। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे पांडा पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंपास पे आपको क्लिक करना है WSAD, ठीक है। तो इसको आपको छोटा कर देना है बिल्कुल, और यहाँ पे छोटा करने के बाद आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको बड़ा रखना है ताकि इसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे 35 यहाँ पे हम रखते हैं, और इसके बाद से यहाँ पे जाते हैं और इसको ट्राई करते हैं। तो 35 ही आपको रखना है, आपको इजीली आपका ये हो जाएगा, ठीक है, WSAD, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से ये आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों कुछ करना नहीं, यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और ये सिंक आपको जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको यहाँ पे लाके छोड़ देना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे साइड में कहीं पे भी आप यहाँ पे लाके छोड़ सकते हो, ये हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फायर वाले बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे लाना है फायर वाले बटन पे, ठीक है। और इसको आपको अपने हिसाब से सेटअप करना है किस तरीके से आप इसको करोगे, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको की जो जितने सारे की हैं उसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं छोटा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमने सेटअप कर लिया। अब यहाँ पे हम जो जहाँ है वहीं पे आपको रख के दिखा देते हैं और उसी तरीके से अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको की मैपिंग करना है तो आपको कस्टम HUD इनेबल ही करके करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और ए पे क्लिक करते जाना है, जितने आपको की लेने हैं ले सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे ये लगा देते हैं और यहाँ पे हम ग्रेनेड और ई, तो इसको हम ई से सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो है यहाँ पे ग्लूवल के लिए ई हम लगा देते हैं, यहाँ पे हम ई लगा देते हैं। उसके बाद से मेडिकिट के लिए हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लाते हैं और यहाँ पे हम मेडिकिट पर एम लगा देते हैं। मेडिकिट बहुत ही आसान से मेडिकिट आप मारते हो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पे ये लाना है, तो हमको यहाँ पे बैग के लिए हमको क्या करना है, बैग के लिए आप कुछ भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे चलो हम अपना जो है बैग के लिए भी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रन के लिए आपको रीलोड के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे रीलोड के लिए R सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम R सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा गन ऑटोमेटिक रीलोड हो जाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना कि यहाँ पे जो भी आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम जंप के लिए हम यहाँ पे स्पेस लगाएंगे स्पेस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बैठने के लिए आपको सी लगा देते हैं, यहाँ पे स्पेस। उसके बाद यहाँ पे हमको सी लगा देना है और सी लगाने के लिए उसके बाद आपको सोने के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे जेड लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जेड हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी सेट करना है यहाँ पे, अब हम हेल्प करने के लिए आपको एच, यहाँ पे हेल्प करने के लिए आपको हेल्प एच पे क्लिक कर सकते हो।
अदरवाइज आप ई भी लगा सकते हो, जो भी आपको लगाना है। तो हम यहाँ पे हेल्प के लिए एन लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली की मैपिंग कर सकते हो। फिर से और की की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे गन पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम गन पे सेलेक्ट कर लेते हैं एक, और उसके बाद यहाँ फिर से दूसरा वाले गन पे दो, और तीसरे वाले गन के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करते जाना है, वन टू, और दोस्तों इस तरीके से हम थ्री सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम की मैपिंग कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद से आपको यूज के लिए, आपको जो मशरूम यूज करते हैं उसके लिए आपको करना क्या है, आप कोई सा भी एक की सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे चलो हम बी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा की मैपिंग मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है। उसके बाद से हम यहाँ पे अपना जो है गेम स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पे आप अभी अभी देख सकते हो, यहाँ पे जूम एंड जूम आउट के लिए आपको यहाँ पे वही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अपना जो है की राइट माउस का जो ये राइट की है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बोल रही है स्विच शूटिंग मोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्यू सिलेक्ट कर लिया जूमिंग के लिए, और उसके बाद से आपको करना कि यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पे बैक, और बैक करने के बाद आपको, चलो हम गेम स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो आपका माउस हाइड करने के लिए, आपको माउस हाइड करने के लिए ये वाला की आपको करना है सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे अपना जो है माउस देख सकते हो काफी बेहतरीन से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे रन के लिए हमने जो लकी अभी नहीं लगाया है, तो हम रन के लिए की कोई सा भी ले लेते हैं। एक रन के लिए हमको की लगाना है, तो यहाँ पे हम रन के लिए एक की लगाएंगे ताकि हमारा शिफ्ट से रन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम माउस को हाइड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स काफ़ी बेहतरीन से वर्क कर रहा है ये, और इस तरीके से आप की मैपिंग कर सकते हो बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलो गन लेते हैं पहले, और यहाँ से बी से हम ओपन करेंगे, और बी से ओपन करने के बाद हम आपको यहाँ पे अपना कोई सा भी एक गन ले लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमने अपना गन ले लिया। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम कुछ प्लेइंग गेम करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से गेम प्ले कर सकते हो, और इसका सेंसिटिविटी का जो भी इशू है आपको खुद से अपने हिसाब से करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और बोल सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन से ये हेड लगता है इसके अंदर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।